देश में उन्नति हुई है वो पाखंड की उन्नति हुई है। देश के अंदर अगर कोई उन्नति हुई है तो जहर घोलने की उन्नति हुई है। देश के अंदर कोई अगर उन्नति हुई है तो भाईचारे को तोड़ने की उन्नति हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज हमारे साथ डॉक्टर हिम्मत यादव हैं, प्रदेश सचिव हैं हरियाणा युवा कांग्रेस के। सर, ओके न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं ओके न्यूज हरियाणा को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो है इसी बेबाकी से जो है खबरों को दिखाते रहें और प्रदेश की जनता की लड़ाई को जो है मजबूती से जो है लड़ने का काम करें। सर, मेरा सबसे पहला सवाल जो है आपसे है कि आज जो महंगाई है इस विषय पर आपने पहले पूरे देश भर में एक तरह से धरने प्रदर्शन भी किए, क्या इन धरने प्रदर्शनों का मौजूदा जो सरकार है उस पर कोई असर होता भी है? देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है और गूंगी बहरी सरकार को चेताने का सिर्फ लोकतंत्र के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म होता है और वो होता है धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। जब जब जो है सरकारें गूंगी होती हैं तो उनके कानों को खोलने के लिए हमारे को जो है सड़कों से लेकर के और संसद तक आवाज़ उठानी पड़ती है, चाहे वो विरोध प्रदर्शन हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो भूख जो है कोई भूख हड़ताल का कार्यक्रम हो। तो इस तरह की जो है ये लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने का और सरकार को उनकी जिम्मेवारी को जो है समझाने का एक जरिया रहता है। और इसमें आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के निर्देश के ऊपर हमारे प्रदेश के नेता श्रीमती शैलजा जी और श्रीमती किरण चौधरी जी और तमाम नेताओं के निर्देश के ऊपर और हरियाणा यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यक्रम के तहत हम लगातार जो है इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी इस तरह के धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन है वो जारी रहेंगे, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों। देखिए सत्येंद्र जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी दिलवाई और आज़ादी के बाद में इस देश के संविधान की रक्षा की और इस देश के अंदर लोकतंत्र को इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी विश्व के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाने का अगर कोई काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया लेकिन है। लेकिन आज जो भाजपा के अंदर ये कहे कि भाई कांग्रेस जो है वो देश हित में काम नहीं कर पाई और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बहुत से आरोप लगा देते हैं और ये सब मुद्दों के इन पर आप क्या कहना चाहोगे? सत्येंद्र जी, इस देश की जनता जो है वो सब समझती है, सबको मालूम है कि किसने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए कितना त्याग किया, कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया है, कितने ही नौजवानों ने उस समय जो है अपने जान की बलिदान दिया और कितने कितने सालों तक लंबा संघर्ष करने के बाद में देश को आज़ादी दी, लोकतंत्र को मजबूत किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। देश के अंदर जहां सुई नहीं बनती थी, इस देश के अंदर सुई से लेकर के जहाज तक बनाने का अगर काम किया है तो वो कांग्रेस सरकार ने किया। उसके बाद तमाम जितने आप संस्थान आज देखते हो, चाहे वो आप एम्स देखते हो, चाहे आईआईटी देखते हो, आपसे जितने भी सरकारी कंपनियां, चाहे ONGC हो, जो भारत के नौ रत्न कंपनियां हैं जिनका निर्माण इस देश के खून पसीने के पैसे से किया गया, आज आरोप लगाने को तो कोई भी आरोप लगा सकता है। आज ये कहा जाता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि देश ने जो उन्नति की है वो 2014 के बाद की है, एक तरह से देश को आज़ादी 2014 में मिली है। ये सब में उन्नति हुई है वो पाखंड की उन्नति हुई है। देश के अंदर अगर कोई उन्नति हुई है तो जहर घोलने की उन्नति हुई है। देश के अंदर कोई अगर उन्नति हुई है तो भाईचारे को तोड़ने की उन्नति हुई है। देश के अंदर कोई उन्नति हुई है तो अविश्वास की उन्नति हुई है। आज दो दड़ों को, तीन दड़ों को, जातियों के प्रति, धर्मों के प्रति बांटने का काम जो है उसके अंदर इस सरकार ने उन्नति की है। देश की संपत्ति को बेचने में उन्नति की है, देश के अंदर महंगाई बढ़ाने में उन्नति की है। आज जहां कितने रुपए का जो बैरल जो है, 140 रुपए का बैरल, 140 डॉलर का जो बैरल होता था, मानसिंह छोड़ के गए तब 114 का था और पीछे लॉकडाउन की अगर बात करें तो मात्र 20 डॉलर का भी था, 20 डॉलर से भी नीचे गया था। सत्येंद्र जी, 20 डॉलर से भी नीचे जाने के बाद में भी जनता की जेब को और जनता को लूटने का काम इस सरकार ने किया है। कह रहे हैं कि जो ऑयल बॉन्ड जो कांग्रेस ने की थी, ऑयल बॉन्ड क्या है? ऑयल बॉन्ड कुछ नहीं होता है सत्येंद्र जी, जब आप ट्रेड करते हैं, जब विश्व स्तर पर आप ट्रेड करते हैं तो बॉन्ड के माध्यम से सरकार गारंटी देती है कि उस समय जब आप किसी से जब तेल और पेट्रोल पदार्थ जब खरीदते हैं तो वो बॉन्ड के माध्यम से उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं।
लेकिन आप खुद समझिए इस बात को, ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, जनता समझती है इस बात को। आप जिस प्रकार से जब कांग्रेस सरकार जब इतना भारी जो है बैरल का रेट होने के बावजूद भी जब हम जीएसटी जो हम एक्साइज ड्यूटी है वो डीजल और पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर 9 रुपया और पेट्रोल के ऊपर 9 रुपया और डीजल के ऊपर मात्र हम 6-7 रुपये के आसपास जो है हम एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करते थे। आज की जो सरकार है उसने कम से कम 34-37 रुपये के आसपास जो है वो डीजल के ऊपर और ऐसे ही 27-28 रुपये करके पेट्रोल के ऊपर, इस प्रकार से जो है एग्जैक्ट डाटा मेरे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कर्ज लिया था पेट्रोल डीजल का वो हम उतारने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो कर्ज की अगर आप आज अगर कर्ज की बात करते हैं, मैं हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं तो इस देश के अंदर हमारा जो हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ, 1966 से लेकर के और 2014 तक जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सरकार जब बीजेपी की सरकार आई तब तक इस हरियाणा के ऊपर 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज था और आज 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ बहुत उतरने का कोई मतलब। आप ये समझिए कि जब से हरियाणा का निर्माण हुआ और 2014 तक सिर्फ 55,000 करोड़ का कर्ज और इनकी 6 साल की सरकार के अंदर ये उस कर्ज को 4 गुना इन्होंने कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कर्ज किसने लिया और कर्ज का किसने काम किया। इस देश को निर्माण करने के लिए कर्ज की भी जरूरत पड़ती है, अगर जब कर्ज कहीं कांग्रेस ने लिया तो इस देश के अंदर उन्नति भी हुई। इस देश के कर्ज लेकर के और ये तमाम सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है कि इस देश के आम आदमी की जो खर्च करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो बढ़े। आज पहले जो है किसी के पास 50 रुपये नहीं होते थे, जब सरकार कांग्रेस की थी तो चाहे वो मनरेगा की योजना के तहत एक एक आदमी को हमने सुरक्षा दी और उनको जो है नंबर ऑफ डेज फिक्स करके उनको गारंटी दी गई। जहां ऐसे ऐसे क्षेत्र है इस देश के अंदर जहां कोई रोजगार नहीं है तो उन लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से और तमाम चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे वो मतलब तमाम प्रकार से जो रोजगार देने का काम किया वो कांग्रेस ने किया, लोगों को आर्थिक उन्नति हुई और उस उन्नति से जो है इस प्रदेश को और इस देश के अंदर जो खुशहाली हुई उस खुशहाली को बर्बाद करने का इस भारतीय जनता पार्टी। देश में किसान आंदोलन पिछले 7 महीने से चल रहा है और जो भाजपा के जो लोग हैं ज़्यादातर वो ये कहते हैं कि ये कांग्रेस कर रही है, और आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन है ये कहाँ तक जाएगा, ये कुछ सवाल इनके बारे में बता। अगर देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है ये बड़ा पीड़ा का विषय है कि भारत की सरकार को, केंद्र की सरकार को इसमें भी कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं, और अगर कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं तो गलत क्या है, तो उनको अगर कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं तो गलत क्या है। क्या इस देश का किसान कांग्रेसी नहीं हो सकता? क्या इस देश का किसान की किसी पार्टी में संबंध नहीं हो सकता? ये तो किसान लोगों ने खुद कहा है, इनके आदरणीय टिकैत साहब ने खुद कहा है कि मैंने तो खुद भाजपा को वोट दिया है। हाँ। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेसी हैं? ये तो सिर्फ क्या है, जो इस देश के अंदर जब सरकार के विरोध में जब अत्याचार और उसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसको या तो टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जाता है या देश का गद्दार बताया जाता है या फिर उसको आखिरी जो शब्द ये यूज़ करते हैं वो कांग्रेस ही यूज़ करते हैं। तो हमें तो गर्व है, हम तो गर्व करते हैं कि जो विरोध जो देश की लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग हैं उनको कांग्रेसी कहते हैं। तो हम तो धन्यवाद करते हैं ऐसे बीजेपी नेताओं को कि ऐसे योद्धाओं को कांग्रेसी कहने का काम करते हैं। चलिए सर, अभी आपकी निजता में जाने की कोशिश करते हैं, आपकी पार्टी की तरफ चलते हैं। आप ये बताइए कि अटेली विधानसभा में जो राव अर्जुन सिंह को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, जबकि यहाँ बाहरी का मुद्दा जैसे भाजपा में भी देखा, संतोष यादव जी थी विधायक, इनको भी बाहरी कहा गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? आपकी अच्छी छवि है लोगों के बीच में, फिर भी देखिए सत्येंद्र जी, ये तो पार्टी हाईकमान और प्रदेश की नेताओं का बैठ करके फैसला होता है। मैं एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी, कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, बहन श्रुति चौधरी जी, आदरणीय किरण चौधरी जी का, और एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मेरा जो फर्ज और कर्म और धर्म है वो ये है कि मैं जनता के बीच में रह करके और जनता की आवाज़ उठाता रहूं, उनके काम करता रहूं। विधायक बनना ना बनना ये मेरे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। टिकट का जहां तक आपका विषय है, पार्टी ने कुछ बेहतर समझ के किया होगा और कुछ गलतियां रही होंगी,
कई बार पार्टी की गलती नहीं होती है, कई बार कैंडिडेट की अपनी छवि या उसका अपना कार्यशैली में कहीं ना कहीं कोई इस तरह की खामियां रही होंगी, जिसकी वजह से इस तरह का जो है रिजल्ट आपको देखना देखना पड़ा। नहीं तो पार्टी हमेशा ठीक फैसला लेने का काम करती है। चलिए सर, यदि जनता और कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती है, जनता मतलब आप चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो पहले सिर्फ दो कार्य मुझे बताइए जो आप प्राथमिकता से करेंगे। थोड़ा समय कम है, अभाव है, थोड़ा जल्दी। सत्येंद्र जी, मैं आपसे बताता हूँ कि इस दक्षिण हरियाणा को अगर विकास की आज जिस स्तर पे आप देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका चौधरी बंसीलाल जी की है। कैसे? उसका कारण यह है कि इस देश के इस क्षेत्र के किसान को या हरियाणा के किसान की अगर उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ी, वो इरिगेशन सिस्टम से बढ़ी, रोड के नेटवर्क से बढ़ी, उसको बंसीलाल जी ने इस हरियाणा के निर्माण में सबसे विकास पर उसका काम उन्होंने किया। उसके बाद में आदरणीय किरण चौधरी जी ने, सुरेंद्र जी ने और फिर श्रुति बहन जी ने, हमारी जो पूर्व सांसद रही यहाँ से भिवाणी लोकसभा से, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, महेंद्रगढ़ से नागर चौधरी के पूरे क्षेत्र को, भिवाणी के आधे पार्ट को भी, भिवाणी तक को NCR में जो शामिल करने का जो ऐतिहासिक काम किया है, ये आज जो विकास आप देखते हैं, ये आज उसी का नतीजा है। और आने वाले समय में जो हमारी सरकार बनेगी आपके दो का, तो आज ये जो NCR का पार्ट है, ये आपको गुड़गांव और दिल्ली से कहीं कम नहीं मिलेगा। बसरते हमारी बहन जी जो है जीत करके यहाँ दिल्ली की संसद में बैठेगी और हम उनकी बाजुएं मजबूत करते हुए यहाँ विधानसभा के अंदर उनको मजबूत करेंगे और उनकी लड़ाई को, इस जनता की लड़ाई को आगे पहुँचाने का काम करेंगे। जो आपने व्यक्तिगत बात की कि दो काम क्या करेंगे, दो काम आज हमारे पास शिक्षित युवा बहुत है। आज हमारे यहाँ के किसान कमेरे वर्ग ने जो है अपना पेट काट काट करके बच्चों को शिक्षित कर दिया है, लेकिन अब शिक्षित होने के बाद में उनको रोजगार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लाने का काम हम लोग करेंगे। आदरणीय बहन जी और मैडम किरण चौधरी जी और कांग्रेस की सरकार ये प्रयास में रहेगी कि साउथ हरियाणा के अंदर कम से कम इस क्षेत्र के अंदर यहीं के लोगों को यहीं रोजगार देने का हम काम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, उनको हम दिल्ली के मापदंड के ऊपर, जैसी एम्स और सफदरजंग जैसी व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार की व्यवस्थाओं को यहाँ पैदा करने का काम करेंगे, जिससे यहाँ के जो मेहनती और कर्मठ युवा हैं, जो कमेरा, जो हमारा किसान है, मजदूर है, उन सबको जो है वही सुविधाएं मिल सकें जो आज दिल्ली के अंदर या आज दूसरे जो राजधानियों के अंदर जिस प्रकार की सुविधा मिलती है, चंडीगढ़ में मिलती है, वैसी सुविधाएं आज अटेली के अंदर यहाँ पे मिले, यही मेरी प्राथमिकता होगी। चलिए सर, आपने हमारे चैनल को इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपकी शुभकामनाएं के लिए। मैं आपके चैनल को भी बहुत बधाई देता हूं कि आप निरंतर जो है अपने इलाके की और आवाज़ उठाते हैं और ऐसे ही निरंतर आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करें। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिम्मत यादव, जिन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। और आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।